राधे राधे। मथुरा की अंतर्गर्ही परिक्रमा के अंतर्गत आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री गोपाल जी महाराज के, जिनका की विग्रह अति प्राचीन है और जो स्थित है होली गेट के अंदर छत्ता बाजार और छत्ता बाजार के अंदर श्री गोपाल जी मंदिर में। आपसे एक निवेदन है कि जब आप गोपाल जी महाराज के दर्शन करें तो आप यदि हो सके तो ये जरूर लिखें श्री गोपाल बालम शरणम प्रपद्ये, जिसका कि अर्थ है हे गोपाल जी महाराज हम आपकी शरण में हैं। चलिए चलते हैं। आज के दर्शन की श्रृंखला में हम मथुरा अंतर्ग्रही के अंतर्गत दर्शन करने आए हैं मथुरा के सबसे प्राचीन ठाकुर जी के। जी हाँ, मथुरा में जगतगुरु विष्णु स्वामी संप्रदाय की जो पीठ है, जिसे जो ठाकुर जी किसी समय चौक के मंदिर में विराजते थे, जिनके मंदिर को तोड़ करके चौक की मस्जिद का स्वरूप 1610 में औरंगजेब द्वारा दिया गया, ऐसे मथुरा के परम उपासित, मथुरा के परम धन, जिनके नाम से मथुरा को गोपालपुरी के नाम से शास्त्रों में वर्णित किया गया, ऐसे भक्तों के प्राणाधार, अशरण शरण दीनदयाल करुणावरलाल है भगवान श्री गोपाल लाल प्यारे, जो मथुरापुरी के अधीश्वर हैं। इनके निज घर श्री गोपाल मंदिर के दर्शन हम और आप ब्रज की माटी के माध्यम से लाइव कर रहे हैं। व्रज और गोपाल एक दूसरे के परिपूरक हैं। भगवान का यह गोलोक और उस गोलोक के नायक भगवान गोपाल ही नित्य इस जग का सृष्टि स्थिति संहार तिरोधान और अनुग्रह करते हुए अपने भक्तों को भक्त मार्ग के द्वारा अपने भगवान भक्तों के जो इष्ट हैं श्री गोपाल जी महाराज, जिनकी की सेवा पूजा अर्चना की प्रणाली श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय की राग भोग श्रृंगार की जो मूल शुद्ध द्वैत पद्धति है, उसी के अंतर्गत यहाँ भगवान की सेवा अनवरत चलती आ रही है। यदि मथुरा का इतिहास हम लेते हैं तो मथुरा में सर्वप्रथम यदि जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया, ऐसा विग्रह ऐसा स्वरूप मथुरा में यदि कहीं है तो वो श्री गोपाल जी महाराज है। ठाकुर जी के अद्भुत स्वरूप के नयनाभिराम दर्शन हमको और आपको ब्रज की माटी के माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। भगवान का सुंदर स्वरूप आचार्य चरण श्री गुरु जी महाराज के साथ विराजमान श्री गोपाल भगवान श्री गोपाल प्रभु एक चरण भक्तों के लिए नीचे है और एक चरण जो के उपासक हैं साधक हैं उन पर कृपा करने के लिए अपने चरणारविंद से दाब रखा है। जो योग्य उपासक हैं जो मर्यादा मार्गीय वैष्णव हैं वे सभी भगवान के उस दूसरे चरण के अधिकारी हैं और सभी लौकिक जीव जो भगवान की कृपा प्राप्त हैं उनके लिए भगवान एक चरण अपना प्रदर्शित कर रहे हैं। भगवान व्रज समुद्र के मध्य से निकले हुए उस परम कमल के ऊपर विराजमान हैं जो कि व्रज का ही स्वरूप है, तथा श्री भगवान की पंचायतन सेवा श्री विष्णु पंचायतन के अद्भुत दर्शन, श्री शालिग्राम स्वरूप भगवान के दर्शन, श्री युगल सरकार के दर्शन, इस स्वामी संप्रदाय के मर्यादा मार्ग के वर्तमान आचार्य श्री डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल जी महाराज द्वारा ठाकुर जी का सुंदर श्रृंगार सुंदर सेवा भक्तों के ऊपर कृपा करते हुए कि भगवान और भक्त को जो मिलाने का मध्य है वही श्री गुरु तत्व है और इन्हीं गुरु चरणारविंद के माध्यम से हमको भगवत चरणारविंद की प्राप्ति होती है। गोपाल के साथ युगल स्वरूप की भी और श्री नृसिंह भगवान जो भक्तों के रक्षक हैं, आपकी दिव्याति दिव्य उपासना परंपरागत आचार्य पीठ द्वारा संरक्षित है और चतुष संप्रदाय की जो प्रथम संप्रदाय श्री श्री रुद्र संप्रदाय है, जिसके अंतर्गत श्री वेदव्यास जी श्री विष्णु स्वामी जी श्री जैसे महान आचार्य हुए उसी परंपरा के संवाहक वर्तमान आचार्य चरण द्वारा संसेवित यह भगवत स्वरूप यह भगवत पीठ स्वयं में
मथुरा का सबसे बड़ा तीर्थ है और इस तीर्थ पर तीर्थराज इस मथुरा में श्री गोपाल लाल के चरणारविंद में आज हम ब्रज की माटी के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। बाल गोपाल की सेवा इस भाव से है कि जैसे ठाकुर जी 5 वर्ष के बालक हैं, उसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा का प्राकार भी यशोदा जी का जो घर है, जो नंदालय की भावना है, उसी भावना से ठाकुर जी की सेवा यशोदा स्वरूप से ही यहाँ संपादित होती है। तथा व्रज भक्ति, जिसे कि राग भोग और श्रृंगार का प्रतीक माना जाता है, वह राग भोग श्रृंगार भी इसी विष्णु स्वामी संप्रदाय की ही देन है। ये शुद्ध द्वैत भक्ति है, यही वह भगवान का दिव्य स्वरूप है, जिसे कि मीराबाई को जब दर्शन हुआ तो मीराबाई विवल हो उठी और कहती है, बसो मेरे नैनन में गोपाल। भगवान नारायण की सेवा परंपरा को वैष्णव परंपरा कहा जाता है और उसी वैष्णव परंपरा का प्रारंभ आद्य वैष्णवाचार्य, जो सबसे पहले भगवान की भक्ति को, भगवान के अर्चा विग्रह को स्थापित करके सभी के जनहितार्थ प्रकाशित किए, ऐसे जगतगुरु विष्णु स्वामी जी महाराज की यह मर्यादा मार्ग की पीठ है, जहाँ की मथुरा में सबसे प्राचीन वेद पाठशाला श्री गोपाल वेद पाठशाला आज भी चल रही है और यहाँ के बटुक विद्वान सभी पूरे विश्व में वैदिक सनातन धर्म की ध्वजा पताका को फहरा रहे हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय की इस आचार्य पीठ के अनुपम दर्शनों की श्रृंखला में यह नवनिर्मित सत्संग भवन प्रांगण, जहाँ के पूर्वाचार्यों का पीठ परंपरा का दर्शन हमको और आपको हो रहा है, अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप में अनूठा। भगवान का यह निज घर, कहते हैं ना कि जब ठाकुर जी अपने बाल स्वरूप को स्थित करके और भक्तों के लिए अपने उस आनंद को प्रदान करते हैं, तो वही आनंद कंद परमात्मा इस गोपाल स्वरूप में व्यक्त होकर के अपने भक्तों को अनुग्रहित करते हैं। भगवान का यह जो बाल स्वरूप है, ये 5 वर्ष के बालक की अवस्था का स्वरूप है। भगवान एक हाथ में माखन अर्थात गोपियों का प्रेम और एक हाथ में खीर अर्थात यशोदा जी का वात्सल्य, दोनों को एक साथ, जहां वात्सल्य और प्रेम दोनों के दर्शन एक साथ एक ही स्वरूप में परिलक्षित होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी यशोदा के लाल हैं और ब्रज जन के प्रतिपाल हैं। तो ऐसे जो भगवान गोपाल समस्त लोक को आनंद, गो नाम इंद्रिया और गो नाम हमारी वृत्तियां, हमारी वृत्तियों को, हमारी इंद्रियों को जो पालन करते हैं, जिनके द्वारा इस समस्त देह का पालन होता है, ऐसे श्री गोपाल विष्णु स्वामी संप्रदाय की इस आचार्य पीठ के अंतर्गत विराजमान है। पूर्वाचार्यों में श्री नंद नंदन जी महाराज जिन्होंने कि दंडी स्वामी ब्रजानंद के शिष्य स्वामी दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, आपने शास्त्रार्थ में जब निमंत्रण दिया तो दयानंद सरस्वती शास्त्रार्थ छोड़ करके और मथुरा छोड़ करके चले गए और आपको साष्टांग नमन करते हुए सिंहासन, श्रीफल आदि समस्त भेंट किए। आपके जो उत्तराधिकारी थे श्री योगी राज महाराज, जिन्हें योग की अष्टांग सिद्धि सम्मुख थी, तथा योग के द्वारा आपने ठाकुर जी की दिव्यता को सभी के सम्मुख प्रस्तुत किया। आपके उत्तराधिकारी श्री विष्णुदत्त जी बाबा महाराज, जो कि चतुर्वेदी समाज में सर्वप्रथम व्याकरण के विद्वान हुए, व्याकरण आचार्य हुए, आपके द्वारा इस पीठ पर ठाकुर जी का भव्याति भव्य लाड़ लड़ाकर भगवान की सेवा करी गई। पूज्यपाद गुरुदेव श्री गुरु विट्ठलेश जी महाराज की यह साधना स्थली है, ठाकुर जी के नयनाभिराम दर्शन। Oh,
हे गोपाल, हे आदर।